Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. सबसे पहले मैं अपने कलीसिया से आपको शुभकामनाएं लेके आई हूँ. मैं न्यू लाइफ फेलोशिप से हूँ और पास्टर शेखर कल्याणपुर मेरे पास्टर हैं. धन्यवाद देती हूँ भाई दिनेश चावला का और सेतु कुमार का, जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और मुझे यहाँ आमंत्रित किया है. आप सब भाइयों के बीच में मुझे बहुत खुशी है, ख़ास करके जॉनी लीवर भाई का, जिन्होंने आज अपना कीमती समय मुझे दिया है. मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जितना भी मैं कहूँगी, जितना भी समय लूँगी, उतना मेरे लिए कम है, क्योंकि प्रभु की महिमा इतनी है, उसके वचन में इतना पावर है, इतना सामर्थ है कि जब वो निकलता है तो खाली नहीं वापस आता. और परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि जितना अपनी माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है वो उससे इतना प्यार करती है, उसे अपने सीने से लगा के रखती है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चे को, आपको, मुझे, उससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं. और वो शैतान के हाथों से हमें बचाना चाहते हैं. और शैतान का राज्य जो अब जिस जीवन में हम जी रहे हैं, जो शैतान का राज्य है, उससे हमें बचाना चाहते हैं. इसीलिए उन्होंने अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए भेजा है. और लोग फिल्म स्टारों के दीवाने हैं, लोग क्रिकेटर्स के दीवाने हैं, खिलाड़ियों के दीवाने हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के पुत्र की दीवानी हूँ. जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नगमा है और मैं बंबई में पली बड़ी जन्मी हूँ. मेरी मम्मी मुस्लिम है, मेरे पिताजी हिंदू हैं और मैं क्रिसमस पर पैदा हुई. तो मैं सब कुछ मैं मानती हूँ, लेकिन कि मैं क्रिसमस के दिन पे पैदा हुई तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं स्पेशल हूँ और मैं यीशु को बहुत प्रिय हूँ, इसीलिए शायद पूरी दुनिया मेरा जन्मदिन मनाती है. और मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जात पात में मैं नहीं मानती. यीशु भी धर्म के लिए नहीं आए थे. यीशु प्यार बांटने के लिए, सत्य बांटने के लिए और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे, क्योंकि वही है सही रास्ता, वही है सत्य और वही है जीवन. और उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त है. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आपसे कि पिछले 20 सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ. मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर में हैं, जब हम यीशु मसीह में हैं, तो हम हमेशा जवान रहते हैं, हम हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं रेगिस्तान में भी अपने बच्चों के लिए फवारे बनाऊंगा. तो आप सब उसको इतने प्रिय हैं कि मैं आपको क्या बताऊं. शायद वही बताने आई हूं यहां पर. और मैं इतना बताने आई हूं कि एज एन एक्टर, आप तो जानते हैं फिल्मी जीवन कैसा होता है. हम लोग चूना लगाते हैं और सबको बहुत उल्लू बनाते हैं. हम लोग पर्दे पर एक नाटक करते हैं पर्दे पर, लेकिन पर्दे के बाहर भी नाटक करते हैं. और हमारा काम, अगर हम बहुत अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत साल टिकते भी हैं. मेरे ख्याल से मैं थोड़ी बहुत ठीक हूँ, इसलिए मैंने 100 से अधिक फिल्में की हैं, 9 से भी अधिक भाषाओं में, और 20 साल से टिकी भी हूँ, तो थोड़ा बहुत अपना काम जानती हूँ. और इतना आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग एक्टिंग करते हैं तो हम लोग ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी कर लेते हैं. जॉनी भाई से अच्छा ऑब्जर्वेशन कौन कर सकता है. अब मैं यहाँ से जाऊंगी तो वो भी मेरी नकल भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ. हम अक्सर असली जिंदगी में भी फिर नाटक ही करते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ अलग से हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमें
वो एक एक्टर बन के रहना है, हमें वो इमेज संभालनी है, हमें अपना वातावरण ठीक रखना है, तो उस हिसाब से हमें ऐसा ही करना पड़ता है। और आजकल तो सभी कोई एक्टर बनना चाहता है ना, सब कोई एक्टर बनना चाहता है, तो सब कोई बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है। और क्योंकि हम पहचान लेते हैं, क्योंकि हम एक्टर्स इतने अच्छे हैं, इतने साल से हैं, हम पहचान लेते हैं लोगों की एक्टिंग, तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे इर्द गिर्द बनावटी है। लेकिन जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम समझते हैं सिर्फ हम ही जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे अलावा कोई और हमें देख रहा है, ऊपर वाला हमें देख रहा है, और वो नहीं चाहता है कि हम ऐसी बनावटी जिंदगी जिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोगों के सामने आते हैं, कई बार क्या, हमेशा ही ऐसे होता है, जब हम लोगों को देखते हैं तो हम लोगों को देखकर भी नहीं देखते, अरे आप कैसे हैं, आप ठीक है ना, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अक्सर ऐसा करते हैं ना, सब लोग करते हैं, हम सब करते हैं, है ना, हम ऐसे करते हैं, फिर देखने के बाद मन में कुछ और चलता रहता है, अरे यार ये क्यों मिल गया मुझे इसको मिलना ही नहीं था आज। तो ये जो सारा दोगलापन हम में है, ये सारी हिपोक्रेसी जो हम में है, जो हम बनावटी जीवन जीते हैं, जब मुझे ऐसा लगा ये सारी चीजें देख करके, क्या यही जिंदगी है, क्या परमेश्वर ने हमें इसी तरह से जीने के लिए यहाँ पर भेजा था कि इस जिंदगी में कुछ और भी है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ये तो सब चलता रहेगा, जीवन चलता रहेगा, और मेरे जीवन में बहुत आनंद था, पैसों से, हर तरीके से, Because he will never leave me nor forsake me. वो आनंद जो मुझसे कोई चुरा नहीं सकता, जो कोई ले जा नहीं सकता, परमेश्वर क्योंकि मुझे अपनी बेटी मानता है, आपको अपना बेटा मानता है, और हम सबको अपना बच्चा मानता है, वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता था, करता है, करता रहेगा। वो परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जो अनंत तक, एंड तक वो सब कुछ जानता है, वो असीम है, वो जानता है कि हमारी जिंदगी की हर एक जरूरतें क्या है, वो जानता है कि हमारे दिल में हमें क्या चीज चाहिए, हमें किस चीज की जरूरत है। और परमेश्वर हमारे जिंदगी में कभी हमें दुख नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर तो वो माता पिता की तरह है जो बच्चों को प्यार करता है। क्या हमारे माता पिता हमें दुख दे सकते हैं? क्या वो अपने बच्चे को दुखी देखना चाहते हैं? कभी नहीं। उसी तरह से परमेश्वर भी हमको कभी दुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन शैतान है ना, वो अपना काम करता ही रहता है। चोर का काम क्या होता है? वो चोरी करना होता है, वो आके चोरी करता है, दंगा करता है, मस्ती करता है, हमें दुख देता है और हमारी नींदों को चुरा लेता है। लेकिन परमेश्वर ने उसकी भी योजना की, परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को भेजकर। मुझे अक्सर जीवन में ऐसा लगता था कि ठीक है परमेश्वर, मेरे से गलती होगी, मैंने गलती तो की होगी, अब हम झूठ तो बोल ही देते हैं। जब कोई हमारे घर में फोन कर लेता है तो हम नौकर को बोलते थे, अरे अरे बोल दे नहीं है घर में, है ना। और इसी तरह से हम छोटी छोटी झूठ तो बोलते हैं, झूठ छोटा हो या बड़ा हो, झूठ तो झूठ ही होता है ना परमेश्वर की नज़र में। तो हम पश्चाताप कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे इतना चाहते हैं, परमेश्वर ने मुझे छुआ और परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बदल जाए, तो परमेश्वर ने सारे चमत्कार मेरी ज़िंदगी में दिखाना शुरू किए, मुझे वो आनंद दिया, मुझे वो शांति दी जो असीम थी, जो मुझसे कोई नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में नहीं आता था कि अरे यार मैं अभी आज इतना काम नहीं कर रही हूँ लेकिन मुझे इतनी शांति क्यों है। लोगों को देखकर उनका चैन बिगड़ जाता था, अरे ये तो इतना कुछ कर नहीं रही है फिर इतना खुश क्यों नजर आ रही है, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की खुशी है। और आज मैं खुशी मनुष्य में नहीं लेकिन परमेश्वर में रखती हूँ। जब आप अपना पूरा यकीन और अपना पूरा आश्वासन परमेश्वर पे रखते हैं और मानव पे नहीं, या कोई राजा पे नहीं, कोई दूसरे राजा पर नहीं, बल्कि राजाओं के राजा पर, यीशु मसीह पर अपना यकीन रखते हैं, तो आपका वो यकीन आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं छीन सकता। मैं सिर्फ ये बताने आई हूं आपको कि उसके द्वारा
और उसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब मैं अपने आप को पूछने लगी कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी इस ज़िंदगी में मुझे बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही, और वो कमी है क्या? वो कमी ऐसी कि कभी मैं किसी अपनी खुशी को अगर किसी चीज़ में रखूं, फिर शैतान आके उस चीज़ को छुड़ा लेता है, मुझसे ले जाता है। पर क्यों ना ऐसा करूं कि मैं शैतान पर पराजय पाऊं? लेकिन वो अपने आप से नहीं हो सकता, क्योंकि वो सामर्थ्य तो हमें सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है, और अपनी पवित्र आत्मा द्वारा। इसीलिए जब हम में वो पवित्र आत्मा होती है तो हम उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं जो बाहर है, जो इस दुनिया में है, जो हमारे इर्द गिर्द है। बुराई, डाका, खराबा, या हमारा आनंद लूटना, या हमारी बीमारियां, या हमारी मुसीबतें, उन सब से ज़्यादा हम शक्तिशाली होकर हम पे उसका असर होगा, ज़रूर होगा, लेकिन हम फिर भी उस पर विजय पाएंगे, क्योंकि हम में जो है वो जो दुनिया में बाहर है उससे कई ज़्यादा ताकतवर है। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि पवित्र आत्मा इस सभा में उपस्थित है, यहाँ पर हमारे बीच में। और मैं आज ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाई भाई बहन जो भी यहाँ पर आए हैं, उनकी जो भी ज़रूरत हो, इस सभा द्वारा जो कोई भी यहाँ पर सभा में बात करेगा, कहेगा, क्योंकि प्रभु के वचन बोल रहा है, और प्रभु के वचन द्वारा सिर्फ आपको शिफा मिल सकती है। और पुराने करार में भी ऐसा था कि अगर हमने, जब मैं अपने आप को सवाल पूछती थी कि हाँ ठीक है, मेरा कल तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब मुझे भव सागर मिल गया है, अब मुझे वो असीम विद्या मिल गई है जिससे मैं दुनिया के युद्ध में अपनी जंग लड़कर विजय पा सकती हूँ, और वो है ये पवित्र वचन। लेकिन फिर मेरे पिछला क्या? अगला तो सब ठीक है, पिछले का क्या? पिछला कैसे ठीक हो सकता है? तब प्रभु ने मुझे जवाब दिया कि वो तो सिर्फ मेरा बेटा ही ठीक कर सकता है, क्योंकि उसे मैंने एक योजना देकर इस दुनिया में भेजा था, और वो योजना ये थी कि वो हमारे पापों को अपने सर पर लेके क्रूस पर अपनी बलि देगा, और अपने खून से हमको धोएगा, क्योंकि हम पापी हैं और हम पिता परमेश्वर के सामने उस पाप को लेकर नहीं जा सकते जब तक कि हमें उस लहू से धोया नहीं जाएगा। और वही है रास्ता, ये पिता ने कहा है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, और ये दावा भी करती हूँ कि जिस तरह यीशु मसीह ने मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को छूकर कुछ अलग कर दिया है, अभी ऐसा एक शांति मेरे दिल में, दिमाग में ऐसी छा गई है जो मुझसे कोई नहीं छीनता है सकता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और शांति का राजा है, वो जो हमें शांति दे सकता है। ये सारी चीज़ें तो बहुत छोटी सी अभी नज़र आती हैं, ये शैतान भी आएगा तो बोलेगा चल भाग यहाँ से, यीशु मसीह के नाम पे आई रिब्यूक यू। किसी को भी हम अपनी दुख को, पीड़ा को, शैतानियत को, कोई भी बुरी आत्मा को, किसी भी चीज़ को हम अपनी जीवन से यीशु के नाम पे उसे भस्म कर सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं, और उस पर विजय पा सकते हैं। और हमें सिर्फ ये देखना है कि बस हमें अपनी नज़रें सिर्फ उस पे, परम पिता परमेश्वर पे टिकाए रखनी है। और जब हम यीशु को हमारे ज़िंदगी में स्वीकार करते हैं, उस पे यकीन करते हैं, और उसका नाम लेते हैं, और कहते हैं कि हमारे मन में आ जाओ और हमें मदद करो, हमारी मदद करो, क्योंकि वो क्रूज पर हमारे लिए एक उद्देश्य के साथ उन्होंने हमसे मंगनी की है, अब शादी बाकी है, और उस शादी की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है,
और वो शादी की तैयारियां, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो औरत जिसकी जिसके सिक्के घूम गए थे, जब उसके सिक्के घूम गए थे तो वो दीवानों की तरह उस सिक्कों को ढूंढ रही थी। क्योंकि पुराने समय में जब जब अपना प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने आया करता था तो, या अपना शादी का न्योता उसको देना चाहता था, तो वो सिक्कों का हार देता था उसे, और वो उसका हार टूट गया और वो दीवानी हो गई। क्योंकि वो प्रेमी कभी भी आ सकता है, चोरों की तरह वो कभी भी आ सकता है उसे लेने के लिए, और अगर उसका हार उसने जल्दी से नहीं पिरोया तो उसे छोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए उसने तुरंत अपना हार, अपने सिक्कों को ढूंढा, अपने हार को पिरोया और अपने दोस्तों के साथ वो जलसा मनाने लगी। क्योंकि उसको अब पता था कि अब जब उसका प्रेमी आएगा तो उसे ले जाएगा। उसी तरह से यीशु चाहते हैं, प्रभु पिता परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए भेजा है, उन्होंने हमें इस पूरी कलीसिया को, हम सबको उसकी दुल्हन बनाया है और वो हमें लेने आ रहा है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने दूल्हे राजा के साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने जेवर पहने हैं? हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारे सामर्थ्य से नहीं और किसी भी चीज से नहीं, बस सिर्फ प्रभु की करुणा से, प्रभु की करुणा से और अनुग्रह से हमें यह मुफ्त तोहफा मिला है, मुक्ति का। हमें सिर्फ उसे अपनी जिंदगी में अपनाना है, स्वीकार करना है और अपनी मुक्ति पर काम करते रहना है, सिर्फ नजरें उसकी तरफ टिकाए हुए। और मैं जानती हूं, मैं चुनौती देती हूं आपको कि जिस तरह से प्रभु ने मेरी जिंदगी छू के मुझे आनंद दिया है, और मैं ये जानती हूं कि ये आनंद मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं दीवानों की तरह जाकर इसका ऐलान कर सकती हूं कि प्रभु ने मुझे इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी दी है कि अब वो खुशी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जो मैंने प्रभु की महिमा देखी है और जो यीशु मेरे जिंदगी में और जीवन में कर रहा है, मैं सिर्फ वो खुशी आप सबके साथ बांटना चाहती हूं, और आज वो गवाही बनकर आपके सामने खुलेआम ऐलान करना चाहती हूं कि मैं उसकी दीवानी हूं और आओ आकर मेरे दीवाने को चखो और देखो। आप कभी मायूस नहीं होंगे क्योंकि मैं भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती थी, लेकिन आज जब मैंने अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथ में समर्पित कर दिया, ऐसे नहीं कि रात में समर्पित कर दिया और सुबह में वापस ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अधूरा समर्पण नहीं होना चाहिए। जब हम दिल से कहते हैं कि प्रभु हमारे सारे बोझ तू ले ले, क्योंकि तू हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा था, तूने हमारे लिए अपना खून बहाया और तूने हमारी सारी दुख तकलीफें पीड़ा बीमारियां ये सब हमसे लिया, तूने कोड़े खाकर अपनी जान की बलिदान सिर्फ इसलिए दी ताकि हम चंगे रहें, हम खुश रहें। और हम इस बात पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो क्रूस पर चढ़ने के बाद तीसरे दिन जी उठे, और आज उन्होंने कहा है कि मेरे नाम से अगर तुम मेरे पिता से कुछ भी मांगो तुम्हें वो जरूर मिलेगा। और मुझे ये पूरा आश्वासन है कि एक बार आप यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने दूल्हे राजा को अपने जीवन में बुला के देखना, आपकी जीवन की हर सुबह सुनहरी होगी। और अगर थोड़ा बहुत दुख तकलीफ सहना भी पड़े तो क्या हुआ, जो हमें मिलने वाला है आनंद काल जीवन में वो तो इन सब चीजों के बराबर कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर सोए हो तो जाग जाओ, आज का समय और अभी का समय बहुत अच्छा है। बस इतना ही कहना चाहती थी, मेरी दुआएं आपके साथ है, ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन अगर समय मिलेगा तो बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनाना है। प्रेज लॉर्ड।